सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ अपने गांव पंचायत कस्बे की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ अगर आपने वोटर कार्ड न्यू अप्लाई करा तो आप इसमें कैसे चेक कर सकते हैं मेरा वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला बिहार की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप अदर स्टेट से कमेंट करके मुझे बताइएगा अदर स्टेट के वोटर लिस्ट मैं डाउनलोड करके दिखा दूँगा। सो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने में छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा, अगर चैनल भी नहीं तो सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज, ताकि आपकी से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जाए, उस पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का पेज खुल कर आएगा। आपको साइड में यहाँ पे 3 डॉट का आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना। आपको यहाँ पे साइड में एक आपको डेस्कटॉप का आइकन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर डेस्कटॉप जैसा मोड आपके पास ओपन हो जाएगा। आपको थोड़ा ऊपर की साइड आपको ले जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए यूपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट डाउनलोड। अगर आप यूपी के तो यहाँ से आप वोटर लिस्ट क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यूपी नेशनल वोटर लिस्ट डाउनलोड, आप यहाँ से वोटर लिस्ट यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ से मैं यहाँ पे अदर स्टेट से यहाँ पे मैं अदर स्टेट वोटर लिस्ट डाउनलोड पर यहाँ पर मैं यहाँ क्लिक का आइकन, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर साइड में यहाँ पर देखिए आपको दिखाएगा यहाँ पर एक यहाँ पर सिलेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना, कौन से स्टेट का आप रहने वाले हैं वो स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं बिहार पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपको गो के आइकन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे फिर से आपके पास यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए आपको यहाँ पर विधानसभा आपको सिलेक्ट करना है, आपका विधानसभा क्या है। देखिए मैं यहाँ पे अपना विधानसभा यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आपका जो भी विधानसभा वो विधानसभा आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आ गया मेरा, यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पार्ट नंबर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ देखिए प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पे साइड में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पूरा बूथ आ जाएगा, कौन से बूथ पे आप यहाँ पे वोटिंग गिराते हो। आप जो ही बूथ पर वोटिंग गिराते हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। चलिए यहाँ पे मैं जिस पे वोट गिराता हूँ वो बूथ में यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। चलिए मैं थोड़ा उसको ऊपर की ओर ले जाता हूँ, यहाँ पर सबसे मेरा नीचा आएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा आ गया यहाँ पर 267 यहाँ पर मध्य विद्यालय सिमरा, ये मेरा यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक करा। इस वजह से क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जैसा कैप्चा सेम वैसे आपको फिल करना है, तो आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कैप्चा जो मेरा यहाँ पे है। अब आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। साइड में आपको यहाँ पे डाउनलोड का आइकन है, आपको इस पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर यह डाउनलोड होना शुरू हो गया है। डाउनलोड के बाद आपके पास मैं दिखला देता हूँ डाउनलोड के बाद कैसा ऑप्शन आता है। वोटर लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड करके डाउनलोड हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखला देता हूँ, यहाँ पे पूरा आपके पास ऑप्शन देखे। यहाँ पे आपको पुरुष आपको कितना रहेगा, सब पुरुष आपको यहाँ पे 687 पुरुष है, महिला यहाँ पे 634 है। यहाँ पे कुल है मेंबर इसमें वोटर लिस्ट में 1321 मेंबर यहाँ पे कुछ यहाँ पे सब यहाँ पे आपको पूरा शो करते कब किए 2019 की 2020 की वोटर लिस्ट यहाँ पे देखिए 2020 के यहाँ पे 1 तारीख मैंने 2020 यहाँ पे कुछ सबके पास अगर खुल के यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपको साइड में आपको भाग संख्या दिखाएगा, भाग संख्या 267 भाग संख्या यहाँ पे। और आपके पास यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे देखिए यहाँ पे स्कूल, आप स्कूल का आपके पास यहाँ पे लोकेशन आ जाएगा, जो स्कूल पे आप वोटिंग गिराते हैं वो स्कूल का यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इसका लोकेशन आपके पास यहाँ पे रहेगा। इसके बाद और भी स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे देखें कुछ यहाँ पे आपके पास पूरा वोटर लिस्ट 50 यहाँ पे 50 पेपर यहाँ पे देखें यहाँ पे जिसमें भी आपका नाम है यहाँ पे नाम आप खोज सकते हैं। यहाँ पे जिस भी पेज में आपका नाम हो वो पेज को आप यहाँ पे देखेंगे, जूम कर भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए RTPS नंबर आपका वोटर मैन आपका यही नंबर होता है, RTPS नंबर होता है। यहाँ पे भाग 67 आपका देखिए यहाँ पे आपका एज कितना है, मैं जूम करके आपको यहाँ पे दिखला दे रहा हूँ। देखिए आपका एज यहाँ पर आपका जगह यहाँ लिंग पुरुष है यहाँ पर सब को यहाँ पे यहाँ संख्या आपको यहाँ दिखा देगा, पिता पति का नाम आपको यहाँ पर सब शो कर देगा। यहाँ पर आपकी फ़ोटो
फोटो इज़ अवेलेबल, यहाँ पे फोटो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं। जिस भी पेज में है वो पेज में आप यहाँ पे बहुत सारा आपको पेज यहाँ पे नीचे मिलेगा, सब पेज में आप यहाँ पे खोज सकते हैं आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है या नहीं जुड़ा, वो सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इस तरह से करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद, लाइक कीजिए, अगर आप अपने फ्रेंड्स का शेयर करें, मन में कोई कन्फ्यूजन आप कॉमेंट करके नीचे इस वीडियो में पूछ सकते हैं।